नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं अनिल सर लेकर आपकी हिंदी क्लास में आपके सामने हाजिर हो चुका हूँ। और 12th क्लास जो हिंदी मीडियम के तमाम छात्र छात्राएं हैं, वो अपना जो पार्ट तीसरा चल रहा था, इसका हमने कवि परिचय पढ़ लिया था और नीति के दोहों में करीब 5 तक दोहे भी हमने पढ़ लिए हैं। उसके बाद के जो दोहे हैं उनका हम यहाँ पे उन्हें अध्ययन कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिए, अपनी क्लास में जुड़ जाइए और इन दोहों को एक बार पढ़ेंगे अपन, इनका ट्रांसलेशन भी करेंगे और कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा तो उनको नोट करना आपको, बाकी मैं आपको रिडर में भेज सकता हूँ। ध्यान दें, सबसे पहले हम बात कर लेंगे कि ये देखिए, यहाँ से देख लीजिए आप आराम से। रूठे रूठे सुजन मनाइए जो रूठे सो बार, रूठे सुजन मनाइए जो रूठे सो बार। तो रूठे वे की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, नीति के दोहे चल रहे हैं रेमदास जी द्वारा, आप जानते हैं। तो रूठे रूठे का मतलब है रूठ जाना। तो सुजन जो हमारे प्रियजन है, मनाइए मनाइए का मतलब होता है उन्हें मना लेना है किसी भी प्रकार से। अगर उन्होंने क्रोध प्रकट कर लिया, हमसे नाराज़ हो गए हैं, तो उन्हें नाराज नहीं रहने देना है, कैसे भी प्रयास करके उन्हें मना लेना है। क्यों? जो रूठे सो बार, चाहे वो एक बार रूठे, दो बार रूठे, सो बार तक भी अगर हमारा प्रियजन हमसे रूठ जाता है, तो हमारा फर्ज दायित्व ये बनता है कि हम उसे मना लें, क्योंकि उससे हमें बहुत सी उम्मीदें होती हैं और वो हमें सही मार्ग पर ले जाते हैं, क्योंकि वो कैसे सुजन है और सुजन से कभी भी हमें वैर नहीं रखना चाहिए। तो फिर रहीमन फ्री फ्री, ये देखिए दो शब्द आ रहे हैं यहाँ पे, फ्री 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 मैं आपको एक बार पहले आप जानते भी हैं और मैं आपको बता दूँ कि ये दोनों शब्द जो हमारे फ्री फ्री मतलब बार बार, लेकिन देखिए जब दोनों शब्द समान हो, उच्चारण समान हो, तो वहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा, इस बात का ध्यान रखना। पुनरुक्ति, ठीक है, यानी बार बार की युक्ति होती है। तो फिर फिरी बार बार, पोइए पोइए मतलब पोना है, किसको? टूटे मुक्ताहार। तो ध्यान दीजिए, जो हमारे सुजन हैं, अच्छे जन हैं, उन क्या कह दिया है? मुक्ताहार कहा गया है। मुक्ताहार का मतलब होता है मोतियों का हार। तो मोतियों का जो हार है देखिए, वो बहुत बहुमूल्य होता है, और बहुमूल्य हार को हम क्या करते हैं, कभी टूटने देते भी नहीं है। क्यों? उसको कीमती होता है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए एक दृष्टांत दिया गया है कि जैसे मुक्ता हार होता है, मोतियों का हार होता है, उसी प्रकार से हमारी ज़िंदगी में कुछ व्यक्ति महत्वपूर्ण होते हैं, वो हमारे प्रियजन हो सकते हैं, हमारे सज्जन कुछ आसपास के हो सकते हैं, उनको रोटने नहीं देना है। यदि वो 100 बार भी, यानी कि 100 का मतलब तो अधिकतम होता है, तो जितनी बार भी वो रूठ जाते हैं, आपकी गलती से रूठ जाते हैं, तो अपना ये फ़र्ज बनता है कि हम उन्हें तुरंत मना लें, जिससे हमारे को हमारे जीवन को जीने में सफलता का जो रास्ता है वो मिल सके, ध्यान रखना है। नंबर 7 पे ये, तरवर फल नहीं खाता है। तरवर का मतलब तो अच्छे वृक्ष होते हैं, वृक्ष सभी होते हैं, तो तरवर की बात करें कि तरवर फल नहीं खाता है, सरवर पीहन पान। पान का मतलब होता है यहाँ से किससे? पानी से। क्या होता है? पानी से की बात करें, यहाँ पानी होता है, ठीक है। तो सरवर कहिए रहीम पर काज हित संपत्ति संचयी सुजान। कही कही रहीम पर का मतलब होता है दूसरा, अन्य, काज हित काज का मतलब कारण के लिए, और संपत्ति यानी धन संपदा होती है, और संचय नहीं उसका संग्रहण करना, इकट्ठा करना, और सुजान का मतलब अच्छे सज्जन लोग होते हैं। तो यहाँ पे रहीमदास जी हमें ये संबोधित कर रहे हैं, बता रहे हैं कि जो तरवर होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, अच्छे वृक्ष होते हैं, फलदायी वृक्ष होते हैं, या किसी प्रकार के फल माने वृक्ष माने, तो तरवर फल नहीं खाता है, कि कोई भी जो वृक्ष होता है वो अपने जो फल लगते हैं या पुष्प लगते हैं उनका उपभोग अपने लिए नहीं करता है, तो किसके लिए करता है फिर? सरवर पिहन पान, और जो सरोवर होता है वो भी अपना तालाब, सरोवर यानी तालाब होता है, वो भी अपना पानी स्वयं नहीं पीता है। तो ये किसका प्रतीक है? ये दूसरों के लिए जी रहे हैं, दूसरों के लिए कर रहे हैं। तरवर यानी पेड़ जो अपने फल फूल खुद नहीं खाते हैं, खुद भोग नहीं करते हैं, और जो तालाब है वो भी अपना जो पानी है, जो जल है, वो खुद के लिए पीता नहीं है। और ठीक उसी प्रकार से रेमदास जी कहते हैं कि परहित दूसरे के लिए का माना, उसे कहते हैं परमार्थ, दूसरे की भलाई करना। तो दूसरे की भलाई करने के लिए ही जो सज्जन लोग होते हैं, महान लोग होते हैं, वो संपत्ति का संचय करते हैं, ऐसा यहाँ कहा गया है। जबकि संबोधन है कि सज्जन पुरुषों को परमार्थ के लिए धन संपदा का अर्जन करना चाहिए, एक संबोधन है, ठीक है, ध्यान रखना। बात आगे चलते हैं, नंबर 8 पे ये, थोते बादर कुहार के। आप जानते हैं कि थोते शब्द आते दिमाग में, एक मुहावरा याद आता है,
थोता चना बाजे घना, अक्सर परीक्षा में पूछ लेते हैं कि थोता चना बाजे घना का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो अधूरा ज्ञान वाला, कम ज्ञान वाला व्यक्ति अधिक बोलता है, थोता चना बाजे घना। जिसको ज्ञान कम होता है किसी भी प्रकार से आप देख सकते हो, अधिक बोलता है, ध्यान रखें। तो थोते यानी खाली, थोते बादर क्वार के, क्वार यहाँ पे बात करूँ आपको समझा थोड़ा सा, क्वार को आश्विन मास कहा जाता है, ठीक है। आश्विन मास यानी जो 12 महीने होते हैं, हम तो जनवरी टू दिसंबर चलते हैं, जबकि जो हिंदी महीने होते हैं उनमें क्या होता है कि क्वार, जिससे अपन बोलते हैं ना कि जैसे चैत बैसाख जेठ साठ सावन वगैरह वगैरह, तो ध्यान रखें कि जो क्वार है इसका मतलब, ये तद्भव जो भाषा ली गई इसका मतलब ये है कि जो आश्विन मास होता है हिंदी महीनों में, उस महीने में क्या होते हैं, बादल जो बनते तो हैं लेकिन कैसे होते हैं, थोते होते हैं, उनमें पानी नहीं होता है। जो आप जानते ना कि जो जिमी जैसे, ठीक है, तो यानी कि उत्प्रेक्ष अलंकार के उदाहरण चलते हैं यहाँ पे। उत्प्रेक्षा का मतलब ये है जो जिमी जिस तरह से बात करते हैं, जो ही रही में गहरात, गहरात का मतलब बात करें कि गर्जना करना, कि जो आश्विन मास के बादल होते हैं वो गर्जना करते हैं, जबकि वो होते कैसे, खाली होते, पानी नहीं होता है। जैसे धनी पुरुष निर्धन भय, जो धनी लोग हैं पैसे वाले लोग मतलब थे, तो क्या करते, निर्धन भय, अब वो गरीब हो गए यानी कि समय चला गया है, करे पाछली बात। ये एक सच्चाई है कि जिस प्रकार से बादल का मतलब बरसात करने के लिए बादल बनते हैं, लेकिन यहाँ बताया गया था कि जो आश्विन मास के बादल होते हैं उनसे बारिश नगण्य के या मतलब कुछ मात्रा में भी नहीं होती है, बिल्कुल खाली रहते हैं, तो वो बादल केवल गर्जना करते हैं, बारिश नहीं करते हैं। बोलते हैं ना कई बार कि भाई गरजने वाले बादल बरसते नहीं, ऐसे कहते हैं, तो वही बादल की बात कर रहे हैं। और ठीक उसी प्रकार समाज में कुछ धनी लोग होते हैं, पैसे वाले लोग होते हैं, तो किसी समय वो माना कि भाई धनी थे, लेकिन धीरे धीरे समय सबसे बड़ा बलवान है, तो वो धनी जो थे ना वो क्या हो गए, निर्धन हो गए समय के चलते हुए। निर्धन होने के बाद भी वो क्या करेंगे कि जनता के सामने, लोगों के सामने बातचीत करेंगे, तो पिछले अपने अतीत की बात करेंगे, हम भाई ऐसे थे, इतना पैसा था, हमने ये किया, हमने वो खरीदा, समाज में देश में परिवार में ये किया, वो पिछली बात करेंगे। जबकि यहाँ पे दिया गया है कि सामने जो जनता है वो उनकी बात को सुने या नहीं सुने कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि वो वर्तमान में धनी नहीं है, पहले धनी थे, अब क्या हो गए हैं, निर्धन हो गए, लेकिन अब भी उनके दिमाग में ये कि हम धनी हैं और उस स्थिति को बनाए रखते हैं। तो यहाँ पे एक संदेश भी है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, और यहाँ एक अच्छी बात यह है कि ये मना किया गया है आत्म प्रशंसा करने के लिए, कि अपनी प्रशंसा स्वयं ना करें। बोलते ना कि अपने मुँह में मियाँ मिट्ठू बनना, ये गलत बात है, कभी भी अपनी प्रशंसा स्वयं ना करें। प्रशंसा वो होती है जो आपके कर्तव्य को, काम को दूसरे देख के लोग प्रशंसा करते हैं। तो चलते हैं आगे, ध्यान रखें नंबर 9 पे, ये रहीमन अंसुआ नयन ढरी। रहीमन जो रहीमदास जी की बात कर रहे हैं, रहीमदास जी कहते हैं कि अंसुआ आंसू जो होते हैं नयन ढरी, नयन का मतलब आंखें होती हैं, तो नयन ढरी यानी ढलक जाते हैं, ढुलक जाना, गिर जाना। जिए दुख प्रकट करें, जी यानी हृदय मन की बात कर रहे हैं, दुख यानी हमारा जो मन का दुख होता है, प्रकट का मतलब प्रकट करते उत्पन्न करते हैं, करे का मतलब करते हैं। ध्यान रखें रहीमदास जी कहते हैं कि हमारे जो आंसू होते हैं जब आंखों से बहते हैं निकलते हैं, तो वो ये मानो कि हमारे अंदर के दुख को प्रकट कर रहे होते हैं। भले हम जानते हैं कि हमारे दिल में मन में कितना ही दुख हो, हम किसी को बता नहीं सकते, लेकिन आंखों से निकलने वाले आंसू उसको प्रकट कर देते हैं। जाहि निकारो गेह दे, जाहि ने जैसे निकारो निकाल दिया है, किसको, गेह है, गेह होता घर, ते घर से, कस ने भेद कही देई, जैसे मान लो अपने घर में कोई नौकर है या कोई सदस्य है छोटा, तो ध्यान रखना घर का जो नौकर होता है, घर का सदस्य होता है, मान लीजिए कि उसको आपने डांट फटकार करके बाहर निकाल दिया है, तो वो क्या करेगा, अपने घर की बातों को बाहर बता देगा। और कहा भी गया है कि घर का भेद ही लंका ढहाए, ठीक है। जैसे आपने रामायण देखा होगा कि विभीषण जी के बारे में कहा गया ऐसा, तो बात करें कि हमारे जो आंसू होते हैं वो हमारे मन के आंतरिक दुख को बाहर प्रकट कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे मान लो घर से निकाला गया कोई व्यक्ति है, वो हमारे घर की बातों को, हमारे घर के सुख दुख को बाहर लोगों में बता देता है। तो यहाँ ये कहा गया है कि हमारे जो दुख होता है उसका समाधान हमें हिम्मत और संयम से करना चाहिए। तो ये रहीमदास जी नीति के दोहों में आपको बता रहे हैं, जिनकी भाषा बहुत सरल है और सामान्य शैली में बताया गया। आगे ध्यान रखें नंबर 10 पे हम बात करें कि रहीमन निज मन की विथा, विथा व्यवथा होती है, अपने दुख की कहानी होती है, ठीक है। तो रहीमन निज, निज का मतलब अपना, और मन स्वयं का मन की विथा, रहीमदास जी कहते हैं कि अपने मन की जो व्यथा होते दुख होता है, मन ही रखो गोय, गोय का मतलब छुपा कर रखनी चाहिए। ये एक बहुत अच्छा संदेश हमारे लिए, समाज के लिए,
कि हमें अपना दुख छुपा कर रखना चाहिए, ठीक है। हालांकि बहुत कम जन होते हैं जो इस बात पे खड़े उतरते हैं। तो देखिए, मनी राखो गोय सुनी अठेले ही लोग सब बाटी न ले ही कोई। ये क्यों कहा गया है कि मन का दुख मन में रखे, क्यों? क्योंकि कहा गया कि हमारा जो समाज है, इस समाज में क्या होता है, भांति भांति के लोग होते हैं, ठीक है। और बिना अभी कल परसों पढ़ रहे थे करपरम खिड़िया जी को, तो आपने देखा सुना होगा कि हमारे जो समाज के लोग, उसमें कहा गया कि ये जो समाज है मतलबी बताया गया है, ठीक है, अपना बहुत कम लोग मिलते इसमें। ध्यान देख कि रहीमन निज मन की व्यथा, रहीमदास जी कहते हैं कि अपने मन की व्यथा, अपने मन के दुख को सबके सामने प्रकट नहीं करना चाहिए, प्रत्येक को नहीं बताना चाहिए, उस दुख को अपने मन में ही छुपा कर रखना चाहिए। सुने अठले ही लोग सब, और लोग क्या करेंगे आपके उस, अगर आपने किसी को अपना समझ के बता भी दिया तो वो क्या करेंगे, आपके दुख को सुनकर के उसका मजाक उड़ाएंगे। अटले ही नहीं, मजाक उड़ाना, हंसी में उड़ाना, लोग सभी लोग आपका मजाक बना देंगे, मजाक उड़ाएंगे। बाटी न ले ही कोई, कोई भी आपके दुख का हिस्सेदार नहीं बनता, आपके दुख को बंटवाता नहीं है, आपका कोई सहारा या सहायता नहीं देता है। तो यहाँ इसका फिर उत्तर क्या होगा, उत्तर यही होगा कि अपने मन के दुखों का, अपने समस्याओं का, आने वाले जो भाई समस्या है उनका सामना कैसे करेंगे, आत्मबल से, आत्मबल से, अपने भुजबल से, अपने विवेक से ही उनका समाधान करें, किसी को बताने से बजाय कि स्वयं पे भरोसा करें। तो यहाँ तक हमने देखे नीति के दोहे रविदास जी द्वारा। तो आज का खाना की काफ़ी लंबा वीडियो बन गया है, ध्यान रखें इतना ही काफ़ी रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।